फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। इस वीडियो में मैं सीआरपीएफ के लिए रीजनिंग और एसएसबी के लिए रीजनिंग डिस्कस करूंगा, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो कि एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन एसएसबी में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नॉन वर्बल से 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, थंबनेल में फिगर कुछ क्वेश्चंस को दर्शाया गया है कि इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर टेलीग्राम चैनल से फॉलो नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यानी ये प्रश्न है, यहाँ 3 आकृति दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा सिमिलर आकृति होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, इस कोण में एरो है, फिर उसके बाद नीचे आ गया इस कोण में, फिर इसके बाद नीचे के बाद इधर दाहिना तरफ आया, अब कहाँ पे जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग को देखना है, ये बीच में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ये बी नंबर है, यहाँ से तीसरा, तो ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह चेक करके आपको आंसर फाइंड करना है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। मतलब इसमें ऑड वन आउट इंग्लिश में बोलते हैं विषम आकृति को, तो ऑड वन आउट फिगर को हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस तरह का जो नीचे में बना हुआ है, किस तरह डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ इसमें भी है, ऊपर की तरफ इसमें भी है, और डी नंबर में भी ऊपर की तरफ है, पर इसमें नीचे की तरफ है। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया हुआ है कागज़, फोल्डिंग कागज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिया हुआ है फोल्डिंग कागज़ से रिलेटेड बोला है, एक कागज़ को दी गई आकृति के अनुसार मोड़ा तथा काटा गया है, खोलने पर 4 विकल्पों में से वह कैसा दिखाई देगा उसे ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर आकृति 2 यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि एक कागज़ है, इस कागज़ को बीच से मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर आधा 1/4 भाग को मोड़ा, फिर इसका 1/4 भाग मोड़ने के बाद फिर इसका 1/4 भाग मोड़ा, उसके बाद इस तरह कटिंग किया और इस तरह कटिंग किया। तो खोलने के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, तो खोलने के बाद इसे हमको देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो खोलने के बाद इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है, साइड में इस तरह कटा हुआ है, तो साइड में ऊपर की तरफ कटा है, ऊपर की तरफ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह फाइंड करना है, क्योंकि बाकी सब बीच में दिया हुआ है, इसमें भी बीच में और साइड में दिया, पर एक साइड कटा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आप पेज फाड़ के इस तरह कैंची से काट के आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 4 नंबर है क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। मतलब इस ये दिया हुआ है, सभी में एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट में कि इस जो मोटा सर्कल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बीच में एक साइड एक घर फाँका, फिर दूसरा में दिया हुआ है, फिर एक घर फाँका, फिर तीसरा में दिया हुआ है, फिर एक घर फाँका, तो यानी इस तरह होगा, तो इस तरह बॉक्स होगा, तो इस तरह होगा, तो क्या होगा, तो एक घर छोड़ के इसमें होगा और सर्कल, तो इसमें सर्कल होगा, तो किस में दिया हुआ है, तो ए वाला नहीं होगा, तो ए भी वाला नहीं होगा और ए वाला भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका भी आंसर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु का संबंधित दर्शाती है। तो कुत्ता और बिल्ली पालतू पशु है, तो ये पालतू पशु हो गया, इसके अंदर में कुत्ता और बिल्ली हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई फिगर नहीं है, तो पालतू में कुत्ता भी आता है और थोड़ा, मतलब कुछ कुत्ता पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू होते हैं, बाकी सब
बाहर के भी होते, इसलिए इस तरह दर्शाया गया है फिगर में। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक से पाँच हो गया, फिर इस एक से पाँच और डिस्कस करूँगा सिमिलर क्वेश्चंस, मतलब उसी बेस पे हमको सॉल्व करना है। तो बोला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न दिया हुआ है तो इस तरह हम लोग को देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं, फाइंड कर। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फिगर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसके सिमिलर दिया हुआ है, यहाँ पे ए वाला दिया हुआ है। तो जैसे कि एक इस तरह एरो है, तो इस तरह एरो मिरर इमेज की तरह है, तो इसी तरह हम लोग को इसको देखना होगा। तो ए वाला किस तरह होगा, देखिए ऑप्शन से समझेंगे हम लोग। तो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे जो सर्कल है बना हुआ, इस तरह बनेगा ए वाला और इस तरह बनेगा ए वाला। तो इसमें कौन कौन सा में बना हुआ है, तो इस ए वाला नहीं होगा और कहाँ गया, ए वाला भी नहीं होगा, पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 21 का ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं खुद से सॉल्व करके। फिर दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। तब विषम आकृति चुनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कि इसमें कितना लाइन, यानी एक ट्रेंगल बनाया हुआ है इस तरह, तो काउंट करना होगा। तो सभी में दिया हुआ है इस तरह एरो, यानी एक साइज का, तो कितना, एक दो तीन चार, मतलब चार घर है इसमें, इसमें भी चार ठो है, पर इसमें तीन ठो ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 का। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक कागज को दी गई प्रश्नाकृति के अनुसार मोड़ा तथा काटा गया, तो खोलने पर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा चार आकृति का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, काफ़ी हेजी है पर समझने के लिए काफ़ी है। तो चार विकल्पों में से वो कौन सा दिया है उसे ज्ञात कीजिए। तो पेपर को फोल्ड किए, पेपर को फिर इस तरह फोल्ड किए, फिर इस तरह फोल्ड किए, फिर इसे कोना मोड़ दिए, उसको खोलने पर क्या होगा। खोलने पर एक बीच में ये बनेगा, यानी ऑप्शन बी नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें तो एक ही बॉक्स बन रहा है। हाँ, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इस तरह का बॉक्स चार जगह बनना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चार नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, चार नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति यानी प्रश्न आकृति पूरी कीजिए, इससे प्रश्न आकृति पूरी कीजिए। तो उसके बाद दिया हुआ है इस लाइन को देना है, देने के बाद इस तरह का सर्कल बनेगा डबल लेयर, तो किस में बन रहा है हम लोग को देखना है। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट इसमें किस में बन रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी एक करेक्ट है, बाकी सब गलत है, डॉट डॉट कहीं कहीं दिया हुआ है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिलोलिज्म का, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिक यानी नागरिक, शिक्षक और लोगों के बीच का संबंध दर्शाता है। तो इसका लास्ट आंसर नागरिक मान लेते हैं, नागरिक पूरा नागरिक लोग ही होते हैं, इसमें कुछ शिक्षक भी होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं, तो लोगों में भी से नागरिक होते हैं। तो इसी तरह आपको दर्शाना है ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह क्वेश्चन लाऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर लाइक जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलते हैं।